आप सभी लोग जेंडर तो यूज़ करते होंगे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जेंडर का दो ऐसे मज़ेदार ट्रिक जो आप नहीं जानते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। टेक्नोलॉजी टिप्स ट्रिक्स एंड रिव्यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए नए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला जो ट्रिक है कि अगर आपके एक मोबाइल में जेंडर है और दूसरा मोबाइल में जेंडर इंस्टॉल नहीं है फिर भी आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो कैसे करना है ये देख लीजिए। तो मैं जैसे कि दिखाता हूँ कि इस फ़ोन में मेरा जेंडर इंस्टॉल है, तो मैं अभी जेंडर को ओपन करता हूँ और इस फ़ोन में अभी मैं दिखाऊँगा कि जेंडर को बिना इंस्टॉल करके इस फ़ोन में या फिर इस फ़ोन में कैसे फाइल ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जेंडर ओपन हो गया है। यहाँ पर आप स्लाइड करेंगे तो एक मेनू ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मोड नाम का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर देखिए कि लिखा है कनेक्ट टू पीसी, तो इसमें क्लिक कीजिए। अभी देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक है वाईफाई सेटिंग, दूसरा है क्रिएट हॉटस्पॉट। वाईफाई सेटिंग का मतलब है कि अगर आपका दो मोबाइल एक ही वाईफाई जोन में कनेक्टेड है या एक राउटर में कनेक्टेड है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे वाला जो क्रिएट हॉटस्पॉट है उसको क्लिक कीजिए। तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर लिखा रहा है कि कनेक्ट द पीसी टू वाईफाई नेटवर्क, और एक वाईफाई नेटवर्क जेंडर नाम का एक वाईफाई नेट हॉटस्पॉट बन चुका है, तो उसके साथ मुझे इस फोन को कनेक्ट करना है। तो मैं अभी वाईफाई को ओपन करता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है कि जेंडर नाम का एक वाईफाई यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं उसमें क्लिक कर देता हूँ और मेरा वाईफाई अभी कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो कि मेरा वाईफाई अभी कनेक्टेड हो गया है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि एक URL कोड, तो मुझे एग्जैक्ट वही URL कोड यहाँ पर एक ब्राउज़र में डालना है, तो मैं वही करता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं अभी इस फ़ोन में इस URL को मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। देखिए मैंने अभी एग्जैक्ट वही यहाँ पर IP मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में जाइए और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और मेरा अभी कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा अभी फ़ोन कनेक्ट हो गया है और यहाँ पर जो जो फाइल है यहाँ पर मेरा शो हो रहा है। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरा अभी पिक्चर में जाऊँगा तो यहाँ पर सारा का सारा पिक्चर यहाँ पर शो होगा। ओके, अभी वीडियो में जाऊंगा तो वीडियो यहाँ पर शो होगा, या अगर मैं होम पे जाऊंगा तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फाइल है, जैसे कि गाना क्या क्या है, यहाँ पर सारा का सारा गाने का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं चाहूँ तो कोई भी म्यूज़िक को मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई भी म्यूज़िक को इसमें क्लिक कीजिए, मार्क कीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिए तो आपका जो गाना है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा गाना भी डाउनलोड हो गया है और इसके साथ साथ मैं इसमें कोई भी फ़ोटो या अपलोड कर सकते हो कोई भी इमेज को, जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी ये है, इस फाइल को मैं यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, अपलोड कर दिया, मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र मेरा हो गया है। आई होप आपका पहला जो ट्रिक था वो काफ़ी पसंद आया होगा, तो हम दूसरी ट्रिक को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दोनों फ़ोन में जेंडर को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको सिंपली इसको दोनों फ़ोन को कनेक्ट करना है। आप सभी तो लोग तो जानते ही होंगे कि कैसे दोनों फ़ोन को कनेक्ट करते हैं जेंडर में, तो मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए जनाब मेरा दोनों फ़ोन अभी कनेक्ट हो गया है। ओके, अभी मैं कोई पिक्चर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से कोई भी पिक्चर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन डॉट दिखाई देगा नीचे, तो इसमें क्लिक कीजिए और उसमें आपको दिखेगा स्लाइड नाम का एक ऑप्शन, तो उसमें क्लिक कीजिए और थोड़ी देर वेट कीजिए और उसके बाद देखिए जादू। मैं इस फ़ोन की तरफ स्लाइड करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ये पिक्चर जा रहा है। अगर मैं इस तरफ स्लाइड करूँगा तो ये फ़ोटो इस तरफ आ जाएगा, और मैं इसको अगर स्लाइड कर दूँगा तो इस फ़ोन में ये आ जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, तो मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, इस फ़ोन से मैं कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर तीन डॉट दिखाई देगा, स्लाइड और यहाँ से यहाँ पिक्चर देखो जा रहा है।
काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, आप भी इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है इसको भी जल्दी से दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।